हेलो गाइस, आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल इन रैंकर्स, अ सीरीज विच इज फुली डेडिकेटेड फॉर बोर्ड्स 10 एंड 12 सीबीएसई विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2021. महेंद्रास प्राइवेट लिमिटेड ब्रिंग्स यू a full dedicated series for this board examinations with the name that is Rankers. Rankers which lead you for the full preparation of board exam. Today on 1st November 2020 we are going to start a 3-month series in which we will guide, help you in preparing for board examinations. This series is for both class 10th and class 12 CBSE board students, in which we are going to discuss about preparation technique and some other ways जिसके थ्रू आप आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं. दिस सीरीज इज गोइंग टू बी फुल्ली फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, बट अदर बोर्ड स्टूडेंट्स लाइक स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड can also follow these techniques for their preparation. ये जो सीरीज होने जा रहा है ये उन बच्चों के लिए जो एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर है और दे वॉन्ट्स दैट दिस और सी स्टूडेंट स्कोर मोर देन 90 प्लस मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो टूडे आई हैव कम विथ अ न्यू, a simple, a very important subject that is physics for class 10th and 12th. So let us discuss ki how should we prepare this 3 month, how should we use this 3 months in order to score more than 95% marks in your physics board exam. So abhi humne bola ये जो ड्यूरेशन, ये जो सीरीज चलने वाला है 3 मंथ्स का. सो अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि अभी आज से हमारे पास है दैट इज 3 मंथ्स. कितना? 3 मंथ्स. अगर हम बात करें जैसे दिसंबर और जनवरी में 31 डेज होते हैं, बट वी आर काउंटिंग ओनली 30 डेज, सो वी हैव टोटल 90 डेज टू प्रिपेयर. ठीक है. अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन फिजिक्स क्लास 12, सो देयर इज 14 चैप्टर्स. यहां पर क्या है? 14 चैप्टर्स है. ठीक है. तो 14 चैप्टर्स में अगर हम लोग इसका डिवीजन करने जाएं, और टोटल अगर क्लास 10 में बात किया जाए तो 16 चैप्टर टोटल साइंस में है, जिसमें से एक चैप्टर लास्ट आपका नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 15 चैप्टर. सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ स्टूडेंट्स. सो 14 चैप्टर, अगर हम लोग बात करें कि एक चैप्टर के लिए टोटल टाइम कितने हैं, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 14 × 6 अगर हम लोग करते हैं तो आता है 84 डेज. 14 चैप्टर 6 डेज से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 84 डेज. और हमारे पास प्लस 6 डेज और है, दैट मीन्स कि अराउंड एक चैप्टर के लिए 6.5 डेज, दैट मीन्स कि 6.5 दिन हमारे पास है एक चैप्टर करने के लिए. ठीक है. तो ये तो हुआ हमें इतने दिनों में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना. अब बात करते हैं कि आप जो बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर होइएगा, जो बोर्ड में आप अपीयर होने जा रहे हैं उसमें आएंगे टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन. सो दिस इज 70 मार्क्स क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज थ्योरी एंड सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल. योर थ्योरी पोर्शन इज गोइंग टू बी कवर्ड अराउंड 50 to 55 मार्क्स एंड रिमेनिंग अराउंड 15 to 20 मार्क्स इज ऑफ न्यूमेरिकल. I have divided this theory portion into majorly 3 parts. First one is objective question. Second one is assertion and reason.
assertion and reason type question, and third one is going to be subjective question. Your question paper is mainly going to be divided into section A, section B, section C, section D and section E. सेक्शन ए में जो होगा 1 to 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे जो कि कैरी करते हैं 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सेक्शन ए, इसी तरीके से सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 और 5 मार्क्स के. पिछले ईयर से जो आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, दैट यू आर नाउ गेटिंग लेस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. अब आपको डिस्क्राइब करने वाले जो मैक्सिमम 120 टू 150 वर्ड्स में जो डिस्क्राइब करके आंसर लिखने वाले होते थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 4 मार्क्स के आते थे, 6-7 क्वेश्चंस, अब उसको रिड्यूस किया गया है, ओनली वर गेटिंग 3-5 मार्क्स क्वेश्चन. तो क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था उसको कम किया गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या किया गया है, इंक्रीज. So this is a question pattern कि 50 to 55 theory और rest numerical 15 to 20 marks. Theory में आपको objective assertion reason and subjective questions पूछे जाएंगे. So इस चीज के लिए आपको पूरे 3 महीने हम आपको यहां पर preparation करवाने जा रहे, ठीक है. तो ये 2 भाई. अब बात करते हैं कि हम preparation करें तो इतने चीजों के लिए, जैसे बोले क्या कि अगर आपको बोला जाए कि चावल बनाना है, क्या बनाना है, चावल. तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो जरूरत यह पता होना चाहिए कि चावल कितने लोगों को बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है. ये पता चले तो कि 2 लोगों के लिए बनाना है, 5 या 10. तो ये हमने बता दिया कि आपको इतने चीज के लिए 70 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना है. अब आप बोलिएगा कि चावल बनाना है, मान लेते हैं फर्स्ट टाइम आप चावल बना रहे हैं, आज तक आपने चावल खाया भी नहीं है. फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या चाहिए होता है, चावल, पानी, क्या क्या चाहिए. तो यहां भी आप क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि क्या क्या चीजों की जरूरत है. सो यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स. प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिपरेशन. तो फर्स्ट वन इज योर एनसीईआरटी. क्या है, एनसीईआरटी. अब एनसीईआरटी से क्या करना है, तो अगर आपने इस पूरे साल एनसीईआरटी टच भी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं जहां उनको मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं. कुछ रिफरेंस बुक, प्रदीप, एसएल अरोरा, एससी वर्मा कर लेते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स, बट एनसीईआरटी को छोड़ देते. बट यू शुड नोट द पॉइंट दैट इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी. सो आपको ये रेस्ट 3 महीने 90 डेज एनसीईआरटी पे फुल फोकस करनी है. एनसीईआरटी से आप क्या करेंगे, तो इसके थ्योरीज को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन. आज से स्टार्ट करेंगे थ्योरीज को लाइन बाय लाइन पढ़ना, पेंसिल से, पेन या फिर हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे. इसके अलावा आप इसके इंटरनल एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट आप इसके बैक एक्सरसाइजेस करेंगे. क्या बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइजेस में आप मिसलिनियस जो लास्ट में दिए होते हैं, 12th का हम बात कर रहे हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं. याद रखिए एनसीईआरटी इज गॉड फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एनसीईआरटी क्या है, इज योर गॉड फॉर योर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में टोटल 70 मार्क्स के जो पेपर आएंगे, टोटल 70 out of 70 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आने वाले. सेकेंड रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, डेट इज नोट्स. सो नोट्स कैन बी ऑफ 2 काइंड्स. एक होता है प्रिंटेड नोट्स और सेकेंड होगा सेल्फ मेड नोट्स. प्रिंटेड नोट्स को मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी नहीं बोलूंगा कि आप ये करें. प्रिंटेड नोट्स हम भी प्रोवाइड करवाते हैं. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होइएगा, जहां ये सारे ढेर सारे प्रिंटेड नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे. बट आई हाईली डू नॉट रिकमेंड कि आप प्रिंटेड नोट्स पढ़े. आपको क्या करना है, सेल्फ मेड नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स आप खुद से बनाइए. ये नोट्स आपके 2 तरीके के हो सकते हैं.
एक होता है लॉन्ग फॉर्म नोट्स और दूसरा होता है शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग फॉर्म नोट्स में आप क्या कीजिएगा कि पूरे जो चैप्टर्स एक एक लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपके पास अगर कोई मॉड्यूल है तो उन सबको यूज करके एक कॉन्साइज एक नोटबुक फिजिक्स की लें और उस पर चैप्टर वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड टू योर सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स आपको क्या करना है। फर्स्ट चैप्टर दिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, आप वहां से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। हर एक चैप्टर का चार्ज से लेकर के इलेक्ट्रिक करंट से होते हुए आप ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स तक जाइए, लाइन बाय लाइन नोट्स बनाइए पूरा डिस्क्राइब करके, जो उसमें डेरिवेशन आते हैं डेरिवेशन कौन सा क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछ रहा है कोई भी क्वांटिटी के बारे में लिखने को बोल रहा है, चाहे वो डाइपोल हो, डाइपोल मूवमेंट हो, चार्ज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट हो, कुछ भी हो, उसका फिजिक्स में क्या होता है पहले तो डेफिनेशन लिखा, उसका क्या लिखना है आपको डायमेंशन लिखना है, एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट ये मस्ट होते हैं। तो आपको क्या करने हैं लॉन्ग फॉर्म नोट्स उसी अकॉर्डिंग बनाने हैं, देन शॉर्ट नोट्स विच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द डे दैट यू आर गोइंग टू बी अपियर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, एक दिन पहले या उस दिन सुबह में रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट। पूरे चैप्टर को 2 से 3 पन्ने A4 साइज ले लीजिए और पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उस डेफिनेशन का फॉर्मूला, उसका एसआई यूनिट, इस तरीके से छोटा बस 2 से 3 पेज में पूरे चैप्टर को आप लिख डालिए जो कि आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड थिंग इज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप बोलिएगा कि आपने बोल दिया एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आएंगे, नोट्स से आएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की क्या जरूरत है। दिस इज हाईली रिक्वायर्ड एज यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आई विल सजेस्ट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन। ये आपके प्रिपरेशन को क्या करता है, बूस्ट कर देता है, 10 times इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको दो चीजों का पता चलता है। पहले तो पता चलता है डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आता है आपके 12th बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि दिस ईयर यू आर गोइंग टू अपियर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ये कहां से पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें और क्या पता चलता है, तो बोलते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, सीबीएसई ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल स्टार्ट हुआ बोर्ड एग्जाम लेना या फिर उसके पिछले साल, नहीं, ये बहुत टाइम, अभी अगर बात किया जाए तो अराउंड 50 years ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं। आपके पास वही बुक है जो सालों साल से चलते आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अभी उस बुक से कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया होगा जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा। सारे क्वेश्चन इस साल पूछे, अगले साल उसके अलावा, अगले साल उसके अलावा, सारे क्वेश्चन पूछ डाले उसने, अब क्या होगा, कोई नया क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो सारे क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपके प्रीवियस ईयर से तो नहीं आएंगे। बट क्या करेगा, 2019 में जो पूछा लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा, न्यूमेरिकल कुछ पूछा वैल्यू चेंज कर देगा, है ना, तो लैंग्वेज को चेंज करके वैल्यूज को चेंज करके बट क्वेश्चन वही रहेगा। सो आप रिपीटेड क्वेश्चन अगर 10 साल के कर लेते हैं तो आपको ये सारे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 10 साल के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप 60+ out of 70 स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, ये नोट्स जो कि सेल्फ मेड आपने बनाया, लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स दोनों, इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तब जाकर के आप ये फुली प्रिपेयर हो, आप बोल सकते हो कि यस आई एम प्रिपेयर फॉर बोर्ड, ठीक है। सो ये ना, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमें डेली रूटीन क्या फॉलो करनी चाहिए, डेली बेसिस पे हम कितना टाइम फिजिक्स को दें और रोज किस तरीके से पढ़ें ताकि हम ये सारे टॉपिक्स, ये 14 चैप्टर्स को कवर अप कर सके। सो आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे मैं मांगता हूं 1.5 hours, 1.5 घंटे पर डे, जहां हम रूल फॉलो करेंगे एक 15, 30, 30, 15 रूल्स, हम ये रूल फॉलो करने जा रहे हैं। जो रूल है 15, 30, 30, 15 इज मोस्ट इफेक्टिव रूल्स दैट इज गोइंग टू बी प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन जस्ट लाइक लास्ट 3 months, लास्ट के 3 महीने 90 दिन,
आपको किस तरीके से ये रूल्स से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम दैट इज 95+ मार्क्स इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज फिजिक्स। इसमें आपको करने क्या है, जैसे आपने कल कुछ पढ़ा, मान लेते हैं आज से आपने चैप्टर स्टार्ट किया, तो आज तो कोई पहले का पढ़ा हुआ नहीं है, आज आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो आज ये आप 15 or 30-45 मिनट आप स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना, बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, उसको समझते जाइए। इसके बाद 30 मिनट्स में आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, और लास्ट के 15 मिनट्स में उस टॉपिक से अगर कोई डेरिवेशन आया है तो उसको आप कीजिए। आज आपने पढ़ लिया, अब कल से हम स्टार्ट करते हैं 2 नवंबर से, तो 2 नवंबर को क्या कीजिएगा, आज आपने जितना पढ़ा, जितने आपने नोट्स बनाए, उसको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप क्या कीजिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको क्या करने हैं, नोट्स को रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट 30 मिनट में आपको क्या करने हैं, आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, पढ़ना है एनसीईआरटी को। नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपने आज एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें आपने एक पहला टॉपिक पढ़ा है चार्ज, तो चार्ज के ऊपर आप फिर इसी से नोट्स बनाइए। इससे फायदा क्या होगा कि अभी तो आपने 30 मिनट्स एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके बाद फिर जब दोबारा नोट्स बनाइएगा तो ऐसा तो नहीं है कि बस याद कर लिया हाँ बनाते जा रहे, नहीं, फिर से पढ़ पढ़ के बनाइएगा, डेट मीन्स कि आप फिर से एनसीईआरटी को पढ़ करके नोट्स बना रहे, 2 बार पढ़ लिया आपने। लास्ट 15 मिनट्स में आप पर डे 1 से 2 डेरिवेशन करना है आपको, पर डे क्या करना है, 1 या फिर 2 डेरिवेशन रोज करने हैं आपको, 1 या फिर 2 डेरिवेशन उस टॉपिक में है या तो कीजिए, नहीं तो प्रीवियस जो भी डेरिवेशन आपने किए हैं इस तरीके से आप ऐड करते जाइए। तो देखिएगा अगर आप 15 मिनट में हैं तो या फिर 3 भी कर सकते हैं, 5 मिनट में 1 डेरिवेशन हो गया, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 5, 15 मिनट में 3 डेरिवेशन, तो आप एक दिन में 3 डेरिवेशन कर रहे हैं, तो 90 डेज में आप कितना कर सकते हैं, 270 डेरिवेशन, कैसे ज्यादा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम्स के लिए 270 डेरिवेशन से ज्यादा आपको नहीं आए। सो इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, बस 1.5 घंटे 24 घंटे में 1.5 घंटे फिजिक्स को दीजिए। इस तरीके से कीजिए कि पहला 15 मिनट आपने जो कल पढ़ा उस नोट्स को रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट 30 मिनट एनसीईआरटी पढ़िए, देन 30 मिनट नोट्स, एंड देन 15 मिनट में आप डेरिवेशन। इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ 3 months दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और आप बोलेंगे कि अगर कल एग्जाम होता है तो मैं उसमें फोड़ के आऊंगा। मैं इस टारगेट को लिया हूं नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि फरवरी में एग्जाम हर साल, ये पिछले 2 साल से फरवरी में स्टार्ट हो जा रहे हैं, हो सकता है कि इस साल डिले हो, बट डिले होगा तो मार्च से स्टार्ट होगा, बट 98% चांसेस है कि नो डिले इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस ईयर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज आपका सिलेबस पहले ही रिड्यूस हो चुका है, और अभी सारे जो भी सीबीएसई ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो इस ईयर का था, वो सभी सक्सेस हुए, उसमें कोई भी ऐसा कुछ केस नहीं मिला है। सो आप लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन फरवरी में ही होने जा रहा है, और सीबीएसई ने सारे सेंटर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, डेट मीन्स कि अभी 4 दिन पहले जो न्यूज आया कि सीबीएसई ने स्कूल्स में क्या किए हैं, कितने वहां पे क्लासरूम्स है, कितने टीचर्स है, कितने वहां पे सीट्स है, उसके हिसाब से कि कहां कहां बच्चों का सेंटर देना है, उस हिसाब से सेंटर अलॉटमेंट का काम शुरू हो चुका है, डेट मीन्स देर इज नो एनी गोइंग टू बी डिलेड। सो आपको फरवरी टारगेट करके ये 3 महीने में इस तरीके से पढ़ना है, टोटल 14 चैप्टर, 6.5 डेज 1 चैप्टर पे। अच्छा, अब आप इस तरीके से किए कि 1 चैप्टर को आपने क्या करना है कि 5 दिन पढ़ना है, 1 चैप्टर को आप क्या कीजिए 5 दिन तक पढ़िए, और लास्ट का जो 1.5 दिन बचा, 6.5 बोले 6.5 दिन, तो लास्ट का 1 या फिर उससे ज्यादा जो दिन बच रहा है उसमें आप क्या कीजिए, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाइए। दैट मींस कि फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, आज से स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जो 6 दिन के बाद जो आप 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लास्ट जो 6 डेज आया, 6 डेज में आप क्या कीजिए, आप उस चैप्टर के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए,
फिर नेक्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए, फिर उसके 6 दिन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दिन बैठ के पूरा कर लीजिए 10 सालों का। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कीजिए, थर्ड चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। इस तरीके से क्या कीजिए, सारे चैप्टर्स को एक एक वीक में पढ़ते जाइए और सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाइए, ताकि आपको एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स फरवरी के मंथ में आपको लगे कि मैंने पूरा थ्योरी भी कर लिया, पूरा नोट्स भी कंप्लीट कर लिया और सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया। तो दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू विल फॉलो इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम। सो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कुछ नहीं है। बस आप डेली, मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह में उठ के पढ़ो, रात में लेट नाइट पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब टाइम मिले, जैसे मिले वैसे पढ़ो, बट ये 1.5 घंटे का जो स्लॉट है एक साथ रखे। ऐसा नहीं कि 15 मिनट अभी पढ़ लिए नोट्स रिवीजन, 30 मिनट 2 घंटे के बाद कर लिए, पूरा मिलाकर 1.5 घंटे तो करते हैं। नहीं, ये 1.5 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी कोई क्लासेस नहीं हो रही, स्कूल्स नहीं हो रहे हैं, और हम ऐसे जब स्कूल जाते थे तो हमें बैठने की आदत होती थी। अभी क्या है कि जब आपको 3 घंटे का पेपर मिलेगा तो 3 घंटे बैठने का आपके पास हैबिट अगर नहीं रहेगा, देन यू विल फाइंड कि आप 1.5 से 2 घंटे में थक गए, और जब माइंड स्ट्रेस में आता है देन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं। सो दिस इज अ वे थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर फिजिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें एकदम इजी वे में। सो तब तक पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।